मैंने सोचा इस बार दिवाली पे कुछ कैंडल बना लिए जाए। इसके लिए मैंने जो रेगुलर हमारे कैंडल आते हैं उनको अच्छे से ब्रेक कर लिया है, और जो इसके अंदर का थ्रेड है इसको भी हम नहीं फेंकेंगे, इसको निकाल के इसी में हम यूज़ करेंगे। और मेरे पास ये पिछले साल के कुछ कैंडल के टुकड़े बचे थे, मैंने इनको भी वैक्स को यूज़ कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि एक डबल बॉयलर लेना है और उसमें इसको रख देना है। इसको अच्छे से हमें मेल्ट करना है, इसको हमें सीधे गैस पर मेल्ट नहीं करना है, नीचे पानी उबलने रखना है लो मीडियम गैस पर, और इसको हल्के हल्के मेल्ट होने देना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर जेल वैक्स, पैराबिन वैक्स, से वैक्स जो आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं कैंडल बनाने के लिए, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ करूँ एक क्रियोन, जो बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स में अक्सर ये वह यूज़ नहीं करते और इधर उधर फेंक देते, ये वही क्रियोन से मैंने इसमें एक येलो कलर का एड कर दिया है। अब मेरे पास ये छोटे छोटे सेरामिक के बोल्स हैं, मैं इनका यूज़ करूँगी कैंडल बनाने के लिए। आप यहाँ पर किसी का भी ग्लास का, कटोरी का, किसी का भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो थ्रेड हमने निकाले थे इसको हम इस तरह से बीच में किसी भी चीज़ से टिका कर रख देंगे, स्पून या आइसक्रीम स्टिक। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एसेंशियल ऑयल, इसके करीब 8 से 10 ड्रॉप इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि हमारे कैंडल जब जले तो उसमें अच्छे से अरोमा फ्रेग्रेंस चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू महकती रहे। वैक्स हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, और अब देखिए मैंने इसको पिघले हुए को फटाफट अपने बोल में फिल कर दिया है। इसे लेट ना करें क्योंकि ये धीरे धीरे फिर जमने लग जाता है, और जैसे ही हल्का सूखने लग जाए हम थ्रेड को इसमें वापस से सेट कर देंगे, ताकि कोई टेढ़ा ना जाए, बीच में ही टिका रहे। इसको करीब जमने में 1 घंटा लगेगा, और लीजिए तैयार हो गई है मेरी कैंडल दीपावली पर जलाने के लिए। आप भी इनको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूरी नहीं हम दीपावली पे ही जलाएं, किसी भी ओकेशन पे यह कैंडल जलाने पर काफ़ी खूबसूरत लगती है और इसमें से अच्छी सी स्मेल भी आती है। तो इस दिवाली आप इनको बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके पुराने बचे हुए कैंडल से भी आप इनको आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये आप मेरे सोफे के ऊपर जो ग्रीन कुशन कवर देख रहे हैं, ये इनको मैंने खुद से घर पर बनाकर रेडी किया है, और ये डिज़ाइन भी मैंने प्लेन कपड़े पे बनाई है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने पहले से अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, लिंक मैं आपको इसकी शेयर कर दूँगी। जगह की कमी के कारण मेरे यहाँ पर सिर्फ एक ही सोफा है, जो मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। अब दीपावली पर वंदनवार बनाने की बारी आई, तो मैंने इसके लिए अशोक के पत्तों को इस तरह से राउंड शेप में फोल्ड किया और सुई धागे से, मतलब इसको थ्रेड में अच्छे से पिरो लिया है। तो ये साइडों में या कहीं पर भी आप इस तरह से बड़ी बड़ी लड़ियाँ बनाकर लगा सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ही बनाकर तैयार किए। अब मैं इनको लक्ष्मी पूजन के टाइम अपने माता जी के दोनों साइड में लगा दूंगी, और ये मेरे वंदनवार के लिए लड़िया बनकर रेडी हो गई। आप चाहे तो सिंपल से वंदनवार भी बनाकर लगा सकते हैं। अशोक के पत्ते लगाना काफ़ी मतलब शुभ होता है। आम के पत्ते, अशोक के पत्ते का वंदनवार हर किसी ओकेजन पे ज़रूर होना चाहिए। और ये देखिए मैंने सीधा वाला बनाने के लिए इस तरह से कुछ बंच में पत्ते लिए हैं, और इनको एक मोली की हेल्प से इस तरह से सिर्फ बांधना है और हमारा वंदनवार रेडी हो जाएगा। I'm really fine, 아무렇지 않은 척 아무도 모르게
मैंने माँ के दोनों साइड लगा दिया है और ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है। और मेन गेट पे मैंने वो बंच वाला जो हमने तैयार किया था वंदनवार वो लगा दिया है। और ये मेरे लक्ष्मी पूजन कंप्लीट हुआ है कुछ इस तरह से। लक्ष्मी माँ के लिए और गणेश भगवान के लिए और लड्डू गोपाल के लिए जो मैंने ड्रेस बनाकर रेडी की थी इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। और ये देखिए मैंने इनको बिना दिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं पहनने के बाद। और ये देखिए मेरे DIY जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे उनको कुछ इस तरह से डेकोरेट करके मैंने रख दिया है। स्पेस की कमी होने के कारण मैंने इनको सिर्फ एक टी टेबल पर सजा कर ही रखा है। घर के बाहर मतलब जगह सही से नहीं है तो मैंने माँ के चरण बना दिए हैं कुमकुम से और उसके पास रख दिया है दीपक और साइड में फ्लावर से कुछ डेकोरेट कर दिया है। और ये साइड में है मेरे कलर की रंगोली। बच्चों को जलाने हो गए फटाके शुरू। इनको पूजा से कुछ लेना देना नहीं होता ये इनको सिर्फ फटाके जलाने होते हैं। और ये देखिए मैंने जितना अपने से बन पड़ा है बिजी डे में माँ को खुश करने के लिए इतना डेकोरेट मैंने किया है और यह कम स्पेस में ही मैंने किया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये जो थाली के दीपक आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी पूजन के टाइम इनका दीप पूजन हुआ था। अभी मुझे एक एक करके इनको अपने सारे रूम में जाकर रखना है। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ मेरा सिंपल सा साधारण सा डेली बिजी लाइफ में अपना लक्ष्मी पूजन और डेकोरेशन। और ये देखिए इतने सारे बने हुए हैं पकवान। ये है टमाटर की सेव, ये चंद्रकला और ये नमकीन पारे, ये फीकी पपड़ी मिक्सर और ये बालूशाही है और ये बेसन चक्की। और आप देखिए और क्या बना है। इसके बाद ये देखिए ये यहाँ पर मैंने बनाई है चकली, ये दूसरी लहसुन मतलब सेवें लौंग वाली और ये स्टार वाले पालक के मैदे वाले शक्कर पारे हैं और ये गुड़ के पारे हैं और ये क्रंची कुरकुरे, वो लहसुन की सेव। काफ़ी आइटम है। आपको सबको दीपावली की काफ़ी ढेर सारे शुभकामनाएं। थैंक यू। बाय बाय फॉर वॉचिंग।